थाना कटघर इलाके में इमाम के मर्डर से मचा हड़कंप। घर के नजदीक ही अज्ञात बदमाशों ने मौलाना अकरम के सीने में मारी है गोली। घर के नजदीक एक खंडर नुमा मकान के पास पड़ा मिला है मौलाना का शव। मौलाना की हत्या से मचे हड़कंप के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा। सूचना पर थाना कटघर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौलाना के शव के पास पड़ा एक तमंचा किया बरामद। थाना कटघर इलाके के भेसिया की मस्जिद के इमाम थे मौलाना अकरम। भेसिया में ही उनके घर के पास उन्हें मारी गई है गोली। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली, यहाँ भैसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के व्यक्ति तो घर के ही बगल में एक खंडहर नुमा एक जो मकान बना है वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी। जिसने मौके पाकर देखा उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज कराने भी नहीं गए थे, तो रात के में अपने घर से ही किसी पुराने पे संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं, जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। कितनी गोली लगी सर? अभी प्रथम दृष्टया एक गोली। सर कोई तमंचा भी बरामद हुआ? मौके से तमंचा बरामद हुआ।